Arun. Hi guys. Good evening, Sushant. Good evening. Probably a very wonderful night. How? क्या था अंदर कुछ बताएंगे आप हमें? अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ. मेरा परफॉर्मेंस भी है और बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत हीरोइन अंदर है. मेरी फेवरेट माधुरी भी है, तो मैं उनको हाय बोलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ. मिस्टर शाहरुख खान को प्रॉब्ली अ ट्रिब्यूट फ्रॉम योर साइड? नहीं, ट्रिब्यूट तो मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले एक अवार्ड फंक्शन में दे दिया है, लेकिन हर दिन मेरा ट्रिब्यूट ही होता है उनको, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत इंस्पायर करते हुए आए और आज भी वो अंदर हैं. तो मैं फिर से उनको एक बार याद दिलाऊँगा कि आप मेरे बहुत बड़े, बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं लाइफ. We talk a lot, and I think from the right places, right time, we need to take action also. And I think we are intelligent enough, and we are responsible enough as a country to see to it that these things don't happen. मुझे नहीं पता. अरे वाह, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है. मैं थैंक यू बताने के लिए. मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा दोनों ही. एक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं और एक मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, तो मेरे लिए तो डबल जॉय. जी हाँ, एक महीने पहले से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तैयारी चल रही है. तैयारी करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो चल रहा है. और मैं भी केदारनाथ शूट भी कर रहा हूँ और ड्राइव भी रिलीज़ होने वाली है, तो उसकी डबिंग चल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. I don't think about future that much, and that is one thing which I've developed lately and is helping me a lot. You know, it might sound very cliche, but if you take care of today, tomorrow will take care of itself. Sir, sure, I show that a set worth rupees 7 crore will be built for Kedarnath in Bombay. I have no idea. If I was getting one, I'll tell you. Thank you so much. It's a new year's come. What are your expectations on 2018? I just said that main bada hi myopic insaan hu. Main आगे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं. आज मैं रहता हूँ, आज मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता रहता हूँ. कल टेक केयर ऑफ इट्स. फिर भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबको कुछ शुभकामनाएं तो ज़रूर दूंगा कि 2018 क्यों, 19, 20, 21 जब तक गिनती गिनती आती है सारे सालों में आप हंसते रहें, खुश रहें. मेरी यही शुभकामनाएं. हाँ भैया, एक सवाल. सारा अली खान आपके साथ डेब्यू कर रही हैं, बहुत चर्चा हो रही है उनकी फिल्म आने से पहले ही. आप उनके साथ काम कर रहे हैं, शूटिंग लगातार कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? मुझे अभी कुछ कहने के लिए मना किया गया, लेकिन मैं हंस रहा हूँ. अब एज एन एक्ट्रेस मैं वही बोल रहा हूँ. अब वो बड़ी मेहनत कर रही है, मैं इतना बोल सकता हूँ, बहुत ही मेहनत कर रही हैं. और मेरा कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा. आप फिल्म देखिए और आपको पता चल जाएगा. आपने इतने सारे एक्ट्रेस के साथ काम किया है, क्यों एज ए एक्ट्रेस आप उनको देख रहे होंगे कि तो दूसरों से कितनी अलग है, कितनी अच्छी है? मैं एक ही चीज़ कुछ करने के दौरान फील करता हूँ, जो कि मुझे एक तरीके से अंदाज़ा होता रहता है कि किस तरीके की चीज़ बन रही है. मैं ज़्यादा सोचता नहीं इस बारे में, लेकिन जब मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है काम करने में, तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है. और मुझे केदारनाथ शूट करने में बहुत 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 मज़ा आ रहा है. एक चीज़ और, वो डेब्यू कर रही है और आपने काफ़ी पहले डेब्यू किया था, आप सीनियर हैं. नहीं, ज़्यादा पहले नहीं, मैंने तो अभी हाल. क्या कुछ टिप्स दिए उन्हें, कुछ टिप्स दिए होंगे? मैंने टिप्स यही दिया है, ऑलरेडी बहुत ही मेहनत और करके आई हैं, बहुत ही काबिल हैं, और उनको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पता ही है पहले से. लेकिन मैंने अपना बस एक एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ कि आई डोंट फेयर फेलियर्स. मैं अगर कुछ करते वक्त मुझे मज़ा आ रहा होता तो फिर मैं सोचता नहीं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा. आई एम नॉट दैट केयरफुल. और ये एक चीज़ है जो आई थिंक लॉन्ग रन इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी. तो मैंने उनको यही बोला कि जस्ट डोंट. उन्होंने मुझे कहा कि और मेहनत करो, एक्टिंग और अच्छी कर सकते हो. थैंक यू.